हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मसाला पूड़ी, जो कि आप बिना किसी सब्जी अचार के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पूड़ी है, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाएं यह मसाला पूड़ी। देखिए हमारी पूड़ी कितनी खूबसूरत दिख रही है। यहाँ पे मैं मूंग दाल को रात भर भिंगो कर रख दी थी। अब इसे ग्राइंड कर रही हूँ करी लीव्स, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ। इसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी यूज करें। और साथ ही हमने यहाँ लिया है गेहूँ का आटा, उसमें उबले हुए आलू, मूंग का पेस्ट जो हमने अभी पीसा है, और उसके साथ ही कलौंजी, अजवाइन और कसूरी लीव्स। इसमें आप मिर्च पाउडर या कोई और मसाला यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चों के लिए बना रहे हो ना, तो मसाला कम ही यूज करें, जिससे बच्चे अच्छे पेट भर कर खा सकें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, और वो भी बिना किसी सब्जी पिकल के आप दे देंगे तो फिर भी आपका लंच बॉक्स फिनिश आएगा। पहले सारे सामग्री को अच्छे से मिला लें, फिर थोड़े थोड़े पानी डालकर हार्ड आटा लगा लें, जैसे सख्त आटा पूड़ी और कचौड़ी के लिए जैसा हम बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। और जब हम इसे बेलेंगे तो तेल की हेल्प से बेलें, इसमें सूखा आटा डालकर ना बेलें। बहुत ही आसान रेसिपी है। जब छोटे बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत टेंशन होती है कि क्या ही उसके लंच बॉक्स में दूँ, वो अच्छे से खाना भी नहीं जानते। और जब उनकी पसंद की पूड़ी आप यह डालेंगे लंच बॉक्स में, तो बहुत ही हैप्पी होकर वो खुद से खाया फिनिश कर कर आएंगे। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। यहाँ पे मैंने देखिए पूरी बेलकर पहले तैयार कर ले रही हूँ। फिर आप इसे मस्टर्ड ऑयल या रिफाइन ऑयल में तल लें। हम पूरी तेल में जब ही डालेंगे जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो, जब तक पूरी फूल ना जाए, जब तक आप फ्लेम हाई रखें। उसके बाद फ्लेम आप मीडियम कर कर अच्छे से गोल्डन होने तक दोनों साइड सेक लें। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको हमारा यह आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी बताएं यह पूड़ी आपके बच्चे कितने पसंद से खाए। और यह वीडियो आप खूब सारा शेयर करें, खासकर उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे स्कूल जाते हों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसे ही लजीज और इजी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप करें। तो देखिए बातों ही बातों में हमारी पूड़ी बनकर तैयार हो गई, वो भी बहुत ही कम सामग्री से, जो हमारे घर में किचन में अवेलेबल होता है इंग्रेडिएंट्स, उन्हीं से हमने पूड़ी बनाकर तैयार करी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस पूड़ी को और इन्जॉय करें अपने बच्चे, फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें इस पूरी के लिए। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएं यह मसाला पूरी। थैंक यू।